हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सब मेरे भाइयों का सवाल था, भाई 7.1 का ECM कैसा काम करें, कैसे रीड करें, कैसे राइट करें, कैसा हम जो भी XYZ जो हम फाइल डालना है वो कैसे डालें। क्योंकि कोई बता रहा था VDI प्रोक से हो जाएगा, कोई बता रहा था KS3 से हो जाएगा, कोई बता रहा था हैक्स प्रोक 2 से हो जाएगा, कोई बता रहा था KT200 से हो जाएगा। तो सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है, तो मुझे पहले से पता था वो काम होता है 7.1 का तुम्हारा KS3 से, ठीक है। KS3 से वो काम हो रहा था, तो VVDI प्रोक से रीड हो रहा था। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं रीड नहीं होगा, VVDI प्रोक से रीड हो जाएगा, मगर वो घुमाने का काम है। 40,000 दो, 50,000 दो, 30,000 दो, वो सब घुमाने का काम है। तो फाइनली क्योंकि ये मेरे पास बहुत दिन पहले ही आया हुआ है हैक्स प्रॉक 2, तो ये वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो देख ही सकते हैं मेरे पास जो काम होने के कारण वो बना नहीं पाता हूँ मैं। तो आज मेरे पास फाइनली ECM भी आया है, तो आज हम एक 7.1 का ECM रीड एंड राइट करके बताएंगे, वो भी हैक्स प्रॉक 2 इंडियन वर्जन। ये है अपना हैक्स प्रॉक 2 इंडियन वर्जन है। इसका कनेक्शन कैसे होगा और पॉजिटिव नेगेटिव क्या लो क्या नहीं, XYZ जो भी है वो पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास फाइल्स भी 7.1 के भी अवेलेबल रहते हैं, और आपको हैक्स प्रॉक 2 भी चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। और मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई के पास हैक्स प्रॉक 1 पहले से है, ठीक है, जो हैक्स प्रॉक 1 पहले से है, तो हैक्स प्रॉक 2 के साथ अपडेट करवाना है तो भी आप करवा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से ही एक्टिवेशन हो जाएगा। आपके पास हैक्स प्रॉक है तो हैक्स प्रॉक आप रख लीजिए, और हम हैक्स प्रॉक 2 आपको दे देंगे। तो वो काम आप दोनों का काम दोनों में मिलके काम कर सकते हैं। हैक्स प्रॉक 2 भी आपके पास रहेगा, हैक्स प्रॉक 1 भी आपके पास रहेगा। मान के चलो आपने एक साल अभी अभी लिया है, 2 महीने पहले लिया है हैक्स प्रॉक 1, ठीक है, उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही आपका जो लाइसेंस एक्टिवेट पहले से हुआ है, वही लाइसेंस वही डेट के साथ आपको हैक्स प्रॉक 2 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएगा, वही एक्टिवेशन आपको जो हैक्स प्रॉक 1 यूज़ कर रहा है, हैक्स प्रॉक 2 के साथ आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपका 3 महीने या 2 महीने पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका 8 महीने या 10 महीने आपका अपडेट बचा है, तो हैक्स प्रॉक 2 आप उसके साथ कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका इसके अंदर भी वही अपडेट मिलेगा जो पहले आप हैक्स प्रॉक 1 में यूज़ कर रहे हैं, वही अपडेट इसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको वैसा भी करके आप ले सकते हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ हैक्स प्रॉक 2 चाहिए तो भी आप ये ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके कारण ये बहुत लिमिटेड स्टॉक है। जितना माल आ रहा है उतना तुरंत खाली हो जा रहा है। तो ये इंडियन वर्जन है, ठीक है, इंडियन वर्जन। तो अभी मैं कैसे इसको ओपन करते हैं, और क्या इसको कि कौन से सिस्टम में कौन से ऑप्शन में जाके आपको ये रीड करना हुआ मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं सारा कुछ, ये मेरा एक्टिवेशन डेट हो गया 7/10/24, ठीक है, यानी आज है मान लो 14 तारीख, यानी कम से कम 7 दिन पहले मैं एक्टिवेशन किया हूँ, 7 दिन पहले एक्टिवेशन किया हूँ, उससे पहले मेरे पास ये आया हुआ था। मगर मैं क्या बोलते हैं ना, वो काम रहता है तो उस टाइम पे कर नहीं पाया। अभी मैं जाऊँगा भाई व्हीकल में, ब्रांड कार सेलेक्ट कर लेता हूँ और महिंद्रा में चले जाऊँगा। महिंद्रा में चले जाऊंगा और 7.1 बोल के लिख लूँगा। 7.1 देख सकते हैं, 7.1 इधर आ चुका है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इधर देख सकते हैं इसके सारा कुछ इसमें बता रहा है। अभी मैं करूँगा वायरिंग, इसका वायरिंग डायग्राम भी आपको मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं 7.1 ECM है, इसके 2-3 पॉजिटिव लगेंगे, एक नेगेटिव लगेगा, कैन लो कैन ही लगेगा। और इसके अंदर जो ECM का जो कनेक्शन रहता है वो सारा कुछ मैं इधर लगा लिया हूँ पहले से टाइम बचाने के लिए। और देख सकते हैं, और मैं इसको बंद करूँगा, अभी इसको मैं रीड करने की कोशिश करूँगा। डेटा केबल लगाया हूँ, पॉजिटिव का चार्जर जो लगाया हूँ, सारा कुछ मैं लगा लिया हूँ। अभी अपना जो ECM है वो रीड हो रहा है। अभी मैं इसके अंदर जो
एक फाइल डालूँगा, इसमें थोड़ा मेरी जो फाइल है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हमने किया है एससीआर को लेके, तो वो फाइल मैं इसके अंदर डालूँगा। तो स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड तो काम में और यूज़ में ले सकते हैं। जो भाई परेशान थे 7.1 को क्या करें कैसा करें, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। रीडिंग करने की स्पीड भी अच्छी खासी है, कोई ये नहीं है घंटे लगेंगे, एक घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ये रीड हो चुकी है, अभी मुझे इसको रीड सेव नहीं करनी है, अभी मैं राइट करूँगा जो मेरी फाइल है 7.1 dpf ऑफ। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं, क्योंकि पहले से भी मैं ये फाइल डाला हुआ था, तो दोबारा मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से ये स्पीड जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा काम हो चुका है, जो भी सोल्डर डिसोल्डर है वो करके मैं गाड़ी में बिठा दूँगा, मेरा जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।